तो आज है दोस्तों हमारे पास एंड्रॉइड दुनिया की एक ऐसी स्मार्टवॉच जो डिस्प्ले के मामले में कर्व रहने वाली है, जिसका नाम है JC01। एंड ये वॉच कर्व होने के साथ साथ इस वॉच के अंदर आपको 7 मेगापिक्सल का एक कैमरा भी देखने को मिलता है। प्लस उससे अच्छी बात ये है कि इस वॉच की डिस्प्ले आपको HD में देखने को मिलती है। एंड और भी कई फीचर्स आपको इस वॉच के साथ देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बॉक्स के फ्रंट साइड पे आपको वॉच का नाम लिखा हुआ देखने को मिलता है JC01। एंड अगर बॉक्स ओपन करें तो बॉक्स में सबसे पहले आपको एक वायरलेस चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, देन ये ब्लैक कलर में सिलिकॉन स्ट्रैप्स, बाकी बॉक्स के लास्ट में आपको एक कर्व वॉच देखने को मिलती है। बाय द वे बात की जाए अगर इस वॉच के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, तो वॉच के फ्रंट साइड पे आपको 1.96 इंच की HD कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगी, बाकी राइट साइड पे आपको एक क्राउन बटन देखने को मिलता है, देन एक स्पीकर एंड लास्ट में आपको एक वही पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है। एंड वॉच के बैक साइड पे आपको चारों कॉर्नर्स पे रियल स्क्रूज देखने को मिलेंगे और कुछ सेंसर और लाइट के साथ। वैसे टॉप साइड पे आपको एक 7 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलता है और वॉच के लेफ्ट साइड पे आपको एक सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जिसके अंदर ओनली आप एक सिंगल सिम कार्ड इंसर्ट कर पाओगे, वो भी 4G। सो ये थे इस वॉच के साथ मिलने वाले कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। बाकी अगर बात करें इस वॉच के साथ मिलने वाले कुछ नंबर ऑफ वॉच फेसेस के बारे में, तो इस वॉच के साथ अराउंड आपको 11 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हो। बाय द वे वॉच के UI पे नजर डाल ली जाए तो वॉच में राइट टू लेफ्ट स्लाइड करने पे कुछ आपको मेन्यू सेट्स देखने को मिलते हैं, देन वॉच में लेफ्ट टू राइट स्लाइड करने पे आपको कोई सा भी फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एंड वॉच में अपसाइड स्लाइड करने पे भी आपको कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया है और वॉच में डाउनसाइड स्लाइड करने पे आपको एक मेन्यू बार देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले आपको एक ब्राइटनेस का फंक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद वॉच में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट जैसे सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे। इवन गाइस इस वॉच में आपको बैटरी सेविंग मोड जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे एंड और भी कई फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे गाइस अगर बात करें इस वॉच की IP रेटिंग के बारे में, तो ये वॉच आपको IP67 की वाटर रेसिस्टेंसी के साथ देखने को मिलती है। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं इस वॉच के साथ मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले इस वॉच में आपको एक कॉलिंग फंक्शन देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको ऑब्वियस सी बात है सिम कार्ड इंसर्ट करनी पड़ेगी इस वॉच के अंदर। विदाउट सिम कार्ड इंसर्ट किए आप किसी को भी कॉल नहीं कर सकते इस वॉच में। बाय द वे ये वॉच आपको 2GB रैम के साथ देखने को मिलती है, प्लस 16GB की स्टोरेज के साथ। वैसे ये वॉच आपको एंड्रॉइड वर्जन 8.1 पे देखने को मिलेगी एंड अपडेट्स वगैरह आने पे आप इस वॉच को अपडेट भी कर सकते हो। नेक्स्टली आपको एक एल्बम का फीचर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो जो भी फोटोज या फिर वीडियोस बनाई है आपने इस वॉच के अंदर। और उसके बाद आपको एक फाइल मैनेजर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एक कैमरा का फंक्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमने कुछ फोटोज और वीडियोस वगैरह बनाई है इस वॉच के अंदर, जो अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। बाकी उसके बाद वॉच में आपको एक प्ले स्टोर फंक्शन भी देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और गेम्स वगैरह भी डाउनलोड करना चाहो तो वो भी इजीली कर पाओगे। वैसे उसके बाद आपको एक क्रोम फीचर भी देखने को मिलता है, जिसपे अब हम इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाले हैं इस वॉच की। बाय द वे इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने पे मुझे पता चला इस वॉच में अच्छी खासी स्पीड देखने को मिलती है, मतलब HD में कंटेंट वगैरह कंज्यूम कर पाओगे। बाकी उसके बाद हमने YouTube पे 1080 पिक्सल पे वीडियोस वगैरह प्ले करके देखी, जो अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। जिसपे 1080 पिक्सल पे वीडियोस वगैरह प्ले करने पे हमें किसी भी टाइप का लैग देखने को नहीं मिला। सो फुल वीडियोस के बाद हमने इस वॉच के अंदर कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी प्ले करके देखी एंड हमें किसी भी तरीके का दिक्कत देखने को नहीं मिला इस वॉच के साथ शॉर्ट्स वगैरह प्ले करने के बाद। बाकी अगर इस वॉच के सेंसर के बारे में बात की जाए, तो इस वॉच के साथ आपको सेंसर फेक देखने को मिलते हैं, मतलब सेंसर वगैरह पे बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कर लेना। नेक्स्टली इस वॉच के अंदर हमने कुछ गेम्स वगैरह भी खेल के देखी, जिसमें सबसे पहले हमने सबवे सर्फर गेम को प्ले करके देखा इस वॉच के अंदर। तो जब मैं सबवे सर्फर गेम को खेल रहा था, तब को सबवे सर्फर गेम के अंदर कुछ लैग्स वगैरह देखने को मिली इस वॉच के साथ, मतलब सबवे सर्फर जैसी गेम भी नहीं खेल पाओगे इस वॉच के अंदर, तो समझ जाओ BAG में तो बहुत दूर की बात है। एंड सेकंड नंबर पे हमने फ्रूट चॉपिंग वाली गेम को खेल के देखा इस वॉच के अंदर, जहां हमें फ्रूट चॉपिंग वाली गेम खेलते समय किसी भी तरीके का इशू फेस करने को नहीं मिला। वैसे थर्ड नंबर पे हमने एक कार वाली गेम खेल के देखी, जिसको खेलते हमें किसी भी तरीके का लैग देखने को नहीं मिला, मतलब छोटी मोटी गेम्स आप इजीली खेल पाओगे इस वॉच के अंदर, बट सबवे सर्फर थोड़ा बहुत लैग करती है। वहीं हमने टेंपल रन भी खेल के देखी इस वॉच में, तब हमें किसी भी तरीके का लैग देखने को नहीं मिला। बाकी BGMI जैसी गेम तो भूल ही जाओ आप। सो अगर बात की जाए इस वॉच की बैटरी MAH के बारे में, तो इस वॉच के साथ आपको 800 MAH की बैटरी देखने को मिलती है, जिसको दिन भर कंटिन्यू यूज करने के लिए आपको दिन में 2 बार इस वॉच को चार्ज करना पड़ेगा। बाकी अगर बात की जाए इस वॉच के साथ मिलने वाले कुछ नंबर ऑफ मेन्यू सेट्स के बारे में, तो इस वॉच के साथ अराउंड आपको 6 मेन्यू सेट्स देखने को मिलते हैं, जिनको डबल टैप करके क्राउन बटन पे आप इजीली चेंज वगैरह कर पाओगे। तो अब अगर इस वॉच की IP रेटिंग पे नजर डाल ली जाए, तो इस वॉच के साथ आपको IP
7 की वाटर रेजिस्टेंसी देखने को मिलती है, मतलब नॉर्मली इस वॉच को रेनी सीजन में भी यूज कर पाओगे। वैसे चलिए अब मैं आपको सुनाता हूँ इस वॉच के स्पीकर्स के साउंड, जिसके लिए मैं यूट्यूब से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक प्ले कर लेता हूँ। एंड अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने साउंड को पॉज करने वाला हूँ एंड आपको सुनाने वाला हूँ इस वॉच का साउंड। वैसे गाइज ये था इस वॉच के स्पीकर्स के साउंड, बाकी आपको कैसा लगा साउंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आप इस वॉच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो अगर इस वॉच के प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ये वॉच अराउंड आपको 4500 के अंदर देखने को मिल जाएगी। वैसे ये थे इस वॉच के सभी फीचर्स के बारे में, बाकी आपको ये स्मार्ट वॉच कैसे लगी कमेंट करके बताओ। बाय द वे अगर आप इस वॉच को बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।